नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज न कह के आप कह सकते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। जो भी टॉपिक पर, किस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम आपके साथ ये बातें डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इस तरह से पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर रिविजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, पैरेलोग्राम के एरिया कैसे निकालते हैं, क्या गिवन हो पर एरिया कैसे निकलेगा। नंबर वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल बात करता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो देखिए, ट्राइंगल में आपको क्या गिवन होगा, एक साइड ये गिवन होगी वेक्टर फॉर्मेट में और एक वेक्टर ये गिवन होगा। तब कहेगा बताओ इसका एरिया क्या आएगा, तो इसका एरिया आएगा, ध्यान रखिएगा, हाफ ए क्रॉस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम आएगा, ये आपके पास पैरेलोग्राम होगा और इसमें ये साइड ए गिवन होगी और इस साइड आपके पास बी गिवन होगी, तब आप इसका एरिया निकालोगे तो आएगा ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ दिस पार्ट ये निकल के आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, ठीक है। और थर्ड फॉर्मेट में आएगी कि कई बार ये साइड ना देखे डायगनल दे सकता है, मान लेता हूँ ये डायगनल डी वन है, याद रखना, और ये डायगनल क्या है, डी टू है, ये दो डायगनल गिवन होंगे आपके पास D1 और D2, और तब इसका एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा हाफ D1 क्रॉस D2, ये ध्यान रखना, हाफ आएगा। यदि आपके साथ ये एडजेंट साइड गिवन है, A वेक्टर B वेक्टर गिवन है, तो एरिया क्या निकलेगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और उसके बाद ये डायगनल गिवन है तो एरिया निकलेगा हाफ D1 क्रॉस D2, ठीक है। इस पर क्वेश्चन क्या आए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, एक बार अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्रायंगल के वर्टेक्सेस की कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 1, 2, इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 और 5, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, सी के 1, 5 और 5। अब आप उसका एरिया निकालना चाहते हैं, 3D में शायद हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला है क्या, जब कोऑर्डिनेट गिवन फॉर्मूला निकालने एरिया, 2D में तो है, 3D में कोई फॉर्मूला है क्या, 3D हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल एक ही फॉर्मूला है कि इनके वेक्टर बनाए हम यहाँ पर, पहले क्या बनाए, ए वी वेक्टर बनाए, और ए वी वेक्टर क्या होगा, ए वी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है। यदि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आई जे और के लगा लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस का 3j प्लस का 5k माइनस इन बाई जे के लगा दो तो i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। और ये ए वी वैक्टर पता लग जाएगा, और ए वी वैक्टर क्या हो जाएगा, ए वी वैक्टर हो जाएगा आपके पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा i, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2j, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 3k, ठीक है जी। ये आपके पास क्या हो गया, ए वी वेक्टर आ गया। आप ए वी वेक्टर डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें से ये कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, आई लगा दो, इसमें से ये माइनस कर दो, यहाँ लगा दो, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप ए सी बता सकते हो, ए सी क्या हो जाएगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ द सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, इसकी पोजिशन में से इसकी पोजिशन माइनस करो तो क्या हो जाएगा 0i, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 4j, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3k। ये क्या पता लग गया आपको, एसी पता लग गया ना, ठीक है। अब आपको एरिया बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये होगा ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हाफ, ठीक है ना। आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी क्रॉस ए सी, मैंने यहाँ पर क्या वेक्टर निकाला है, ए बी निकाला है, और क्या निकाला है, ए सी निकाला है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। यदि आप यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां पर क्या निकालोगे, बी ए निकालते हो, फिर क्या निकालते, बी सी भी निकाल सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। और अब हम यहां पर ए बी क्रॉस ए सी निकालें, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह पता है ना, क्या होता है, ये होता है आपके पास ए बी क्रॉस ए सी, यहां पर ए बी में जो आई जे के कोफिशिएंट है उनको लिख लो 1, 2 और 3, सॉरी आई जे के, और यहां पर क्या लिखेंगे 1, 2, 3, ये कोफिशिएंट 1, 2, 3 ए बी के कोफिशियंट, और यहां पर ए सी में आई जे के कोफिशियंट क्या हो जाएगा 0, 4 और 3।
इसे सॉल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर आ जाएगा और ये हो जाएगा आई, इसका हम इसे करेंगे तो 6 माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का जे और यहाँ पर आ जाएगा 3 और इसका हम इसे करेंगे तो 0 आ जाएगा और प्लस का के, इसका हम इसे करेंगे तो 4 आएगा और इसका हम इसे करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है जी। सॉल्व करिए, माइनस का 6 आई आएगा, माइनस का 3 जे आएगा और प्लस कितना आएगा 4 के आएगा, ये आपके पास ए बी क्रॉस ए सी आ गया। अब आप ऐसा कर लीजिए ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकलता है सर इसका स्क्वायर कर लो 36 आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर कर लो सर 9 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √61, ठीक है जी। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा हाफ √61, ठीक है। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। यदि आपको पैरेलोग्राम के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना इस तरह से आपको दे रखा होगा, या तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे इन पॉइंटों के, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से ए बी वेक्टर और ये निकाल सकते हो और इन दोनों का क्रॉस करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। ए क्रॉस बी, यहाँ पर ध्यान रखें यदि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यदि आप इसका एरिया निकालना चाहते हो तो हमेशा क्या होगा ए क्रॉस बी होगा, ठीक है। कई बार डायगनल भी दे रखे होते हैं लेकिन डायगनल में आपको ध्यान रखना है कि डी वन क्रॉस डी टू का मैग्नीट्यूड का हाफ करना है। कई बार स्टूडेंट क्या कर देता है, केवल डी वन क्रॉस डी टू कर देता है और सब कुछ गलत हो जाता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और मैं लागे पढ़ाई करिए। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। हर स्टूडेंट्स की कमेंट्स को थोड़ा सा लेना मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन विश्वास के लिए मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। एक ही कमेंट्स मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाती है रात को, मैं पूरी लिस्ट को अच्छी तरह पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि स्टूडेंट ने क्या क्या कमेंट्स करे हैं, ठीक है, और वो क्या प्रॉब्लम रख रहे हैं अपने। अपना ख्याल रखें और किसी तरह टेंशन ना लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।